जनपद पौड़ी के राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी होने से परीक्षा परिणाम लगातार खराब होते जा रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने विद्यालय और विभागीय अधिकारियों से मुलाकात कर इसके समाधान की मांग उठाई है। अभिभावक संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह बिष्ट ने बताया कि विद्यालय में प्रवक्ता, रसायन विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित खाली चल रहे हैं। वहीं LT में भी गणित की क्लास खाली और अंग्रेजी की अध्यापिका भी 2 साल से अटैचमेंट में चल रही हैं, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। वहीं जिला पंचायत सदस्य मुकेश बिष्ट ने मांग की है कि शिक्षिका का अटैचमेंट खत्म कर जल्द से जल्द विद्यालय में अन्य शिक्षकों की तैनाती की जाए। पौड़ी से मुकेश पछेती की रिपोर्ट। परीक्षा परिणाम खराब होने का कारण यह है कि यहाँ पे इंग्लिश और मैथमेटिक्स के न लेक्चरर हैं, न LT में टीचर हैं, तो कहीं से एक सब्स्टिट्यूट भी नहीं मिल पा रहा बच्चों को कि कोई और टीचर उनको पढ़ा पाए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और दूसरी बड़ी दिक्कत ये कि यहाँ पे कविता बोटोला करके एक मैडम थी इंग्लिश की, जो कि पिछले 2 साल से यहाँ से अटैच करके उसको वहाँ अटैच कर दिया गया है, GIC निश्रिणी में। उसकी सैलरी यहाँ से निकलती है, सब कुछ यहाँ से निकलता है, और वहाँ पढ़ा रही हो और यहाँ पद खाली कर। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन जो यहाँ पर अनदेखी कर रहा है, तो हम जल्द से जल्द पूरे क्षेत्र की मांग यही है कि यहाँ पर शिक्षक आएँ और जो हमारा भविष्य है, जो हमारे बच्चों के भविष्य है, इसको खिलवाड़ ना होके इसको सुधार हो। एक शिक्षिका वहाँ पर की कोई अटैच है, तो वो अटैचमेंट मेरे स्तर का नहीं है, ना वो निदेशालय के स्तर का है, वो शासन स्तर से अटैचमेंट हुआ है। किन कारणों से हुआ है, तो संभवतः वो शासन के पास कुछ बातें होंगी कि उन्हें क्यों अटैच किया गया। यद्यपि हमारे स्तर से कोई भी अटैचमेंट गढ़वाल मंडल में